खुशहाली है जब इस टाइप का माहौल देखने को मिलता है। तो पर्टिकुलरली जो हमारे छोटे बच्चे हैं, कश्मीरी पंडितों के भी छोटे बच्चे और हमारे कश्मीरी मजारिटी कम्युनिटी के भी जो हमारे यहाँ छोटे बच्चे हैं, जब वो आपस में मिलेंगे वही फ्यूचर बनाएंगे, वही पूरे जम्मू कश्मीर का फ्यूचर है। आज हम लोग 10 साल 20 साल 25 साल जो भी लाइफ होगी यू नेवर नो, लेकिन जो बच्चा है उसी को आगे बढ़ाना है। कश्मीर की कश्मीरी आपको जिसको कहते हैं, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, वो कश्मीर तभी डेवलप हो जाएगी जब वो बच्चे आपस में बैठेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, मिलेंगे, बात करेंगे। और सबसे पहले और इसके साथ में आई एम रियली ग्रेटफुल टू होल कश्मीर वैली जो हर वक्त स्वागत करते हैं, इन पर्टिकुलर गांदरबल जहाँ माता कीरबानी का एरिया है। ये पूरा एरिया के लोग आप कल देखिए, जब माता रानी का कल बैठ गए, कल देखिए कितना माहौल अच्छा होगा। यहाँ जितने मुस्लिम भाई होंगे, जितने हिंदू भाई हैं, उससे ज़्यादा मुस्लिम भाई साथ में स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, अपने पुराने दोस्तों यारों से मिलने आते हैं। ऐसे कुछ नहीं होगा, ये इसमें मैं पहले भी बोला हूँ, आज भी बोलूँगा और खुलकर बोलता हूँ, मेरी मेजॉरिटी कम्युनिटी को सामने आना पड़ेगा, खुले दिल से, खुले दिमाग से, खुले बाहें खोलकर अपने भाइयों को वापस बुलाना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना काम कर रही है, पैरामिलिट्री फोर्सेस, फोर्सेस जेके पुलिस, एलजी साहब, डीजी साहब, वो सब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा काम जो करना है वो मेजॉरिटी कम्युनिटी को करना है। यहाँ अगर कश्मीरी पंडित आएगा, मेजॉरिटी कम्युनिटी के कहने पर आएगा, उसके साथ रहने के लिए आएगा, उसके साथ में मिल बांट कर, क्योंकि उसको दूध बुलाना है, उसको सब्जी बुलानी, उसको 24/7 उस सोसाइटी में रहना है। तो इससे जब वही खुले दिल खुले दिमाग से खुलकर वो वेलकम करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। मेला शुरू हो गया है, कल नहीं है, आज ही शुरू है। तो आज एक मैसेज है पूरे दुनिया के लिए, कश्मीर का भाईचारा किस प्रकार से है, हिंदू मुस्लिम सिख बौद्ध ईसा ईसाई हर एक आदमी आज किस मेले में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यही है कश्मीरिया, यही है कश्मीरिया, यही है भाईचारा। मैं इतना बोलूंगा इस विषय पर, अगर कहीं उपयोग की खामी है मैं यहाँ के शासन को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो खामियाँ दूर करें, क्योंकि हर एक ज्यारत पे भाईचारा का एक मैसेज आता है। तो उसी प्रकार से आज तो यहाँ मेला लग गया है, हिंदू धर्म का मेला है, ये हिंदू धर्म का ही नहीं, ये पूरी इंसानियत का मेला है। आज एक मैसेज आ रही कि वाकई कश्मीर के लोग भाईचारा चाहते हैं, पीस चाहते हैं, आप में चलना चाहते हैं और हिंदुस्तान के साथ चलना चाहते हैं, ये एक मैसेज है। 10 दिनों से बराबर हमारे सुपर जितने भी हैं वो यहाँ पे हमने तैनात किए, हमने सैनिटेशन के लिहाज से जो भी हमने करना था वो हमने किया। आप खुद भी देख सकते हैं यहाँ कितना माहौल, जो यहाँ का वातावरण है वो कितना नीट एंड क्लीन है। जिस हवाले से हमने 10 दिन पहले सैनिटेशन ड्राइव जो है वो हमने स्टार्ट की थी, बराबर एक परसों तक कंटिन्यू रहेगा। अच्छा प्रश्न पूछा इसके लिए हवाले से मैं आपके माध्यम से जितने भी हमारे पंडित बरादरान हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हमने बाहर भी 15 ये स्लॉट्स का रखा है ऑलरेडी मोबाइल टॉयलेट, वो वहाँ जाए उससे यूज करें। से आज ये माहौल जमा एक ही बाग में हर रंग के फूल, उसमें पंडित भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसा भी है, बुद्ध भी है, बहुत अच्छा लगा। आज यहाँ पे जो है इस वक्त त्योहार जो हमारे इन बरादरन का, पंडित बरादरन का, आप देखिए इसमें सबसे बड़ी भाईचारे की मिसाल जो है इस त्योहार के साथ साथ सबसे बड़ी भाईचारे की मिसाल मिलती है आपको। देखिए इसमें गुल मिल गए हैं सभी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने भी लोग हैं आज गुल मिल गए हैं। ऐसे कहीं नहीं लगता है कि डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहा है कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। तो ऐसा लग रहा है कि भाईचारे की बड़ी मिसाल आज गांदरबल से होके जा रही है। हम चाहते हैं लोग बाहर से आए, हम चाहते हैं हमारा वो अंग कश्मीरी पंडित तो यहाँ से बाग के आए वो प्रमुख तौर पर कश्मीर वापस आए, क्योंकि हम उनके बगैर उधर हैं। हम चाहते हैं ये कश्मीर जो हमारा है जन्नत का नजारा है, लेकिन जन्नत के नजारे का एक फूल हमारे कश्मीरी पंडित भी है। हम बाकी लोगों का भी वेलकम करते हैं, बाकी हजार का वेलकम करते हैं, आए हुए मेहमानों का वेलकम करते हैं, और जितने भी पंडित लोग हमारे यहाँ रहते हैं हम उनसे ये भी गुजारिश करते हैं कि वो यहाँ पे आए और इस रंग में और रंग भर दे। हम बड़े मशकूक और शुक्रगुजार हैं एडमिनिस्ट्रेशन का भी और आप लोगों का भी। शुक्रिया।